अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनाने में बहुत ही ईजी है। ये लेडीज स्कार्फ है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन कर दें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस खूबसूरत से स्काफ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट डाउन कर लें। ऊन, बारीक ऊन यूज़ की है हमने, इंची टेप, सीजर और क्रेशिया हुक। क्रेशिया हुक आप देख सकते हैं 5.0 mm, सबसे पहले शुरू करेंगे नॉट से और 26 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 27। ठीक है, 27 चेन्स बना लिए हमने। मैं आपको सिर्फ पैटर्न बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपने इस साइज़ का स्कार्फ बनाना है तो आप इंची टेप से इतनी चेन बनाएंगे, 14 इंचेस तक ये चेन बनाएंगे। ये जो चेन है लंबी बनानी है आपने 14 इंच। ठीक हो गया। चलें तो उसके बाद 27 चेन्स बनाने के बाद 3 चेन्स बनानी है, 1, 2, 3। और डबल क्रोशिया 1 और सेकंड चेन में, ये सेकंड चेन में डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गया, 1, 2, 3। ठीक है, हो गया। उसके बाद आपने 2 चेन स्किप करनी है, 2 चेन छोड़ देने हैं और 3rd चेन में डबल क्रेशिया, फिर सेम स्टिच में डबल क्रेशिया, 2 चेन्स, 1, 2, फिर दोबारा इसी चेन में 1, 2 डबल क्रेशिया, फिर डबल क्रेशिया। ये इस तरह हो जाएगा, 2 डबल क्रेशिया, 2 चेन्स, 2 डबल क्रेशिया। ठीक, इसके बाद फिर 2 चेन छोड़ देंगे, 2 स्किप करेंगे, 1, 2 और 3rd चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd चेन से लगाएंगे, 1, 2 और ये 3rd चेन पे इस तरीके से ये देख सकते हैं डबल क्रोशिया, फिर सेम स्टिच में दोबारा से डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, फिर दोबारा सेम स्टिच में डबल क्रोशिया, अब ये देख सकते हैं इस तरीके से 3 चेन्स, फिर 2 को स्किप किया, 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर 2 चेन स्किप किए और 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन स्किप किए और 3rd चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशिया। फिर सेम इसी तरह चलेगा आगे भी, सेम इसी तरह ये एंड तक सेम इसी तरह लेके जाएंगे। एंड पे पहुंच गए हैं हम, लास्ट ये बनाया है। अब उसके बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1, 2 और 3rd चेन से हम लोगों ने दोबारा से 3 डबल क्रोशिए, सेम 1 नेक्स्ट चेन में,
टू, और फिर नेक्स्ट में थ्री, थ्री डबल क्रेशिया। सेम उसी तरह बॉर्डर बनाना है, जैसे इस साइड पे तीन चेन थे इसी तरह सेम, इसी तरह तीन चेन्स इस साइड पे भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों साइडों पे बॉर्डर आएगा। उसके बाद चेन थ्री, वन टू थ्री, इसको टर्न करेंगे और वन, जो ये वाला थ्री डबल क्रोशिया है ये वाला, और ये थ्री चेन्स बनाए थे, वन काउंट होगा। उसको छोड़ के नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में ये इस तरीके से, ये देखें, ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें से इस तरीके से, ये आराम से देखें इस तरीके से फ्रंट पोस्ट, फ्रंट से इसको डबल क्रोशिया इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके आना। फिर से देख लें, फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया था उसको भी इसी तरह यहाँ से ये इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ऐसे लेके आएंगे और इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया और दो चेन, फिर डबल क्रोशिया, इसके सेंटर में सेम इसी तरह जैसे ये बना हुआ है उसी तरह बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, दो चेन, उसके बाद फिर दो डबल क्रोशिया, ये सेम उसी तरह बनेगा। बनाया है टू डबल क्रोशिया, टू चेन्स और टू डबल क्रोशिया। उसकी नीचे वाला जो हिस्सा है उसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया से हम लोगों ने इस तरीके से ये लेना है और दो आधा डबल क्रोशिया बना के ये दो लूप्स इसके अंदर छोड़ देने हैं। उसके बाद फिर से ये जो इसके सेंटर में वन डबल क्रोशिया था इसके सेंटर से इस तरह करेंगे, आगे से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर दो में से गुजार के फिर ये वन लूप्स छोड़ देंगे, वन टू थ्री, थ्री लूप्स हमारे पास रह जाएंगे। उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट ये वाला है दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया, उसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में फ्रंट से लेके इस तरीके से दो डबल क्रोशिया, अब ये फोर हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब फोर को एक साथ ज्वाइंट कर देना है ऐसे, ये आप देख सकते हैं ये एक साथ जुड़ जाएंगे और ये ऊपर से ये चीज़ लगेगी, ये जो इसकी ये वाली चीज़ है, ये इसकी ये वाली चीज़ बनेगी, वो ये वाली है और ये जो मैंने अभी बनाई है वो ये वाली चीज़ बनेगी। फिर दोबारा से ये जो हमारा दो डबल क्रोशिया है उसके सेंटर में से फिर दोबारा उसी तरह बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, ये सेम बनेगा जैसे पहले बना था, दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया दो चेन। ठीक हो गया। अब फिर से देखें इस वाले डबल क्रोशिया के लास्ट में से इस तरह गुजारेंगे और आधा डबल क्रोशिया बना के दो लूप्स इसके अंदर छोड़ देंगे। उसके बाद फिर ये जो सेंटर एक डबल क्रोशिया बनाया था सिंगल, उसको भी इसी तरह फ्रंट में से लेके दो लूप्स में से निकाल के थर्ड वाली इसके ऊपर ही छोड़ देंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसको लास्ट वाले को इस तरीके से लेके फिर दो डबल क्रोशिया और ये वन टू थ्री फोर हो जाएंगे, फोर में से एक साथ गुजारना। तो ये जितना आप नरम हाथ से बनाएंगे उतना ही ये खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा छोटे डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसको इस तरह बड़े क्रोशिया से बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उसके बाद अब एंड हो गया है, एंड में फिर ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसको आगे से, क्योंकि ये बॉर्डर बनेगा इस तरीके से फ्रंट लेके, ये देखें ये डबल क्रोशिया
अब ये हमने दो इसी तरह सेम फ्रंट में से लेके दो डबल क्रोशिया इसी तरह सेम बना दिए, और थर्ड वाला जो है उसके ऊपर सिंगल चेन के साथ, इस चेन के साथ सिंगल इसके हिस्से के साथ ये इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये शॉल का फ्रंट साइड होगा जो हमने सबसे पहले इसके ऊपर ये बना दिए, ये हमने ये शुरू किया। अब ये हमारा शॉल का बैक साइड है इस तरीके से, ये शॉल का ये बैक साइड है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, ये आपको मैं बताती हूँ। तीन चेन, फिर अब ये जो डबल क्रोशिया है पहले हमने फ्रंट से लिया था, ठीक है। अब क्योंकि हम बैक साइड बना रहे हैं तो हम बैक से लेंगे ताकि फ्रंट से सेम आए, ये इस तरीके से। फिर देख लें ये जो हमारा फ्रंट, ये जो हमारे फ्रंट वाले हैं दोनों, उसको हम इस तरीके से बैक साइड से इस तरीके से ये बैक में से लेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अब फ्रंट तो इसका ये है, फ्रंट से ये सेम आएगा, तो क्योंकि अब हम बैक साइड से बना रहे हैं तो इसलिए हमने बैक से बनाया है ताकि फ्रंट हमारा सेम आए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब ये सेम इसी तरह बनेगा, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, टू चेन्स, क्योंकि ये दोनों तरफ से देखने में एक जैसा ही लगता है, इसका कोई मसला नहीं है, ये तो सेम ही बनेगा। फिर अब जो नेक्स्ट बनेगा वो इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं। अब जो इस हिस्से की ये लास्ट वाला है इसको हम बैक से लेंगे, ठीक है, इस तरीके से बैक से, ये बैक से लेके ये इस तरीके से, और फिर ये वाला हिस्सा हम स्किप कर देंगे क्योंकि बैक से बना रहे हैं, और यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा, एक मिनट, अब टू लूप्स हैं हमारे पास, और नेक्स्ट जो हमारा ये वाला है इसके ये फर्स्ट वाले से बैक से लेके दरमियान वाला हिस्सा हम स्किप करेंगे इससे, और टू चेन लेके अब हमारे पास 1 2 3 थ्री लूप्स होंगी, थ्री लूप्स को हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक। लास्ट में से फिर कोई हम ये जो फ्रंट वाला हमारा ये हिस्सा है बॉर्डर वाला, इसको उसी तरीके से बैक पोस्ट ये इस तरीके से, और जो लास्ट स्टिच है उसको चेन में से गुजारेंगे इस तरीके से, ठीक है। डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थ्री चेन्स, थ्री चेन्स बनाने के बाद फिर सेम फ्रंट पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, और ये सेम इसके अंदर इसी तरीके से डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि ये बैक वाला हमारे पास इस तरीके से आया हुआ है, ये देखें बैक है ये। अब हम इस लास्ट वाले में से इस तरीके से लेंगे, ये हाफ बनाएंगे, और अब हमने ये बैक साइड वाले बैक से जो आ रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, अब हमने इसके इस हिस्से से इसका जो ये हिस्सा है फर्स्ट वाला उसके अंदर से ये इस तरीके से ये देखें 1 2 और 3, इसके इस हिस्से से थ्री लूप्स लेनी है, और इन तीनों में से ये इस तरीके से गुजार के थोड़ा इसको लॉन्ग ऊपर तक लेके आना है खींच के, और दो में से गुजार के फिर वो रहने देना है, फिर उस नेक्स्ट वाले फर्स्ट डबल क्रोशिया में से इस तरीके से निकाल के ये 1 2 3। अब ये देखें ये उभर के ऊपर की तरफ आ गई है, ये आप देख सकते हैं,
क्योंकि हम नीचे वाले इस से लेके ऊपर तक आए हैं। जो शॉल का ये वाला हिस्सा खिंचा हुआ ऊपर की तरफ, ये देखें ये इसका डिज़ाइन बना हुआ है, जो इसकी खूबसूरती है वो हमने ये इस तरीके से बनाया। ठीक है, अब फोर लूप्स को एक साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब फिर नेक्स्ट उसी तरह टू डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, और फिर आप गौर से देख लें, अब ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया से इस तरीके से, और ये बैक वाला है, ये वाला बैक है, हमने ये वाले 1 2 3 नीचे वाला जो हमने बनाया था उसके अंदर से इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से ये तीन लूप्स लेनी है, और इन तीनों में से एक साथ गुजार के इसको पुल करना है, सोर से खींचना है, यहाँ तक लेके आना है, और इन दोनों में से गुजार के वन को रहने देना है, और फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से ये चार एक साथ ज्वाइन कर देने। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, कंप्लीट हो गया। ये सेम उसी तरह डबल क्रोशिया, दो चेन, डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट में से उसी तरह ये जो फ्रंट के आ रहे हैं उसी तरीके से दो फ्रंट से और लास्ट का चेन में से लेके डबल क्रोशिया बना देना, ये इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, ये जैसे जैसे डिज़ाइन बनता जाएगा ये ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये चीज़ ऊपर की तरफ आएगी, और ये उसी तरह दो चेन, दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद बैक से उसी तरह बनेगा जैसे मैंने आपको बताया, और फ्रंट में से बैक से इसी तरीके से आएगा, और फ्रंट से इस तरीके से। अब मैं आपको ये टसेस लगाना सिखाती हूँ कि ये किस तरह लगाए जाते हैं। ये हमने ऊन को कट कर लिया है, ये 19 इंचेस, ठीक है 19 इंचेस इनको इसको हमने कट कर लिया है। उसके बाद आपने वन एक ये टसेस बनाने के लिए 2 3 4 4 ये लेने हैं एक साथ, 4 हमने ये ले लिए हैं, ठीक है 4 लेने के बाद एक ही साइज़ की कटिंग है 19 इंचेस, और इनको इसको सेम ये देखें इस तरीके से इन चारों को लेके इस तरीके से यहाँ से पकड़ के इनको इस तरीके, और उसके बाद इसको इसके साथ इस तरीके से बराबर कर देना है। और जो हमारा ये है, अब जो हमारा ये है इसके ये इस हिस्से से ये जो इसका सेंटर है इसमें से इसको ये वाला हिस्सा है जो इस तरीके से पकड़ना है, ये पीछे वाला है और ये आगे इस तरीके से, ये बैक में से क्रोशिए को निकाल के इसका इसमें से गुजार लेना है। ठीक हो गया, गुजार के आपने इसके इस हिस्से को इसमें से इस तरीके से गुजार लेना है, और सही इस तरीके से टाइट कर देना, ये देखिए इस तरीके से जितना पुल करेंगे वो उतना ही अच्छा टाइट हो जाएगा, और ये देखें ट्रसेस बन गए। दोबारा से देख लें, इस तरह से चारों को लेके आपस में इस तरीके से इसका ये जोड़ देना, उसके बाद ये फेस से इसको इस तरह कर देना, ठीक
अब आपने इस तरीके से इसको पकड़ के इसका जो ये हिस्सा है शॉल का इसके सेंटर में से गुजार लेना। गुजारने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ के इसको ज़ोर से इस तरह से पुल कर देना। ये देखें ये टसेस बन गया। ये एक्स्ट्रा जो है इसको कटिंग करके बराबर कर लें। ये मैंने पूरी शॉल 2 मीटर की बनाई है। ये स्काफ मैंने 2 मीटर का बनाया है। आप चाहें तो जितना इसको लंबा भी कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन 2 मीटर ठीक होता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।